प्रकाश डालूंगी। मुझे मालूम है कि हमारे रेल में 8% महिलाएं काम करती हैं, जिसमें अभी वैभव जी ने बताया कि हमने 25% तक महिलाओं को अपने नेगोशिएशन एंड डिसीजन मेकिंग पावर में शामिल किया हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि एआरएफ ने महिलाओं को एक अलग स्थान दिया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने संशोधन करके महिलाओं को अपने ही कमेटी में उन्होंने महिलाओं को जगह दी है। हर ब्रांच पर, हर मंडल पर, हर जोनल पर महिलाओं को अपनी जगह बनाने के कहा गया है और ये कमेटी ऐसी है जिसमें महिलाओं को अपना ही डिसीजन लेकर, अपना ही मांग लेकर, अपना ही प्रस्ताव लेकर एजीएम में उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है और वो करते भी हैं। कुछ समस्याएं भी हैं उनके पास, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए हमारे एआरएफ ने बहुत कुछ किया है, चाहे वो चाइल्ड केयर लीव हो, चाहे वर्क प्लेस पर सेफ वर्क प्लेस हो, चाहे दुनिया में 53 बिलियन पैसेंजर्स 178 सिटीज में ऑपरेट हो रहे हैं मेट्रो के माध्यम से। इस मेट्रो के माध्यम से जो भी हमारे उपभोक्ता हैं उन लोगों ने सस्ती और सुलभ सेवा तो मिली ही है, लेकिन साथ इसके उन्होंने जो आईटीएफ का प्रस्ताव है ट्रांजिशन उसको भी पूरा करने का काम किया है। इको फ्रेंडली जो है वो परिवहन सेवा उन्होंने लोगों को देने का काम किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परिवहन सेवा में युवाओं जहां पर जो भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है उनमें सब युवा ही आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं, तो हम युवाओं को संगठित करें, महिलाओं को संगठित करें और जो हमारे आईटीएफ की पॉलिसीज हैं उनको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से लागू करने का काम करें। हमने ये भी कहा है कि दिस रेजोल्यूशन कॉल्स अपॉन टू आईटीएफ कि तमाम जो मेट्रो यूनियन से हम लोग के ऊपर हमला है उस पर आईटीएफ की एक कांफ्रेंस हम लोगों को समर्थन देने का काम करें। हमारी पुरानी पेंशन स्कीम को छीनने का काम किया गया है। 2004 के बाद जो बच्चे और बच्चियां रेलवे में भर्ती हुए हैं उनसे उनके पुराने पेंशन के अधिकार को ले लिया गया है, विच वॉज ए डिफाइंड पेंशन स्कीम, नाउ दे आर पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। और अफसोस ये है कि जो लोग 50,000 रुपए जिनको पेंशन मिलनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज पर रूल 50% ऑफ द बेसिक पे दे आर एंटाइटल्ड फॉर द पेंशन, बट दिस न्यू पेंशन स्कीम हैव लेफ्ट देम इन द लर्च। अभी उनकी पेंशन जो है वो समाप्त हो रही है और उनको मैं एक मिनट और लूंगा आपका। मैं आज की स्थिति जो बन रही है उसमें ये स्थिति है कि जिन लोगों को 50,000 रुपए तनख्वाह पर रिटायर हो रहे हैं उन लोगों को 3,000 रुपए पेंशन मिल रही है। तो इन सब सवालों को लेकर के
हमने अपने देश के तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मंच पर इकट्ठा किया है। We for you, radio, कभी भी।